नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों मैं आदर्श पांडे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जो सिलेबस है उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, बिहार की जो गजट आई थी 23 अगस्त 2017 की, उसमें बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप इस गजट को डाउनलोड करना चाहते हैं या इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप उस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर इस गजट को प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो से जुड़े नए अपडेट्स को भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा होगी 150 अंकों की, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न पत्र दोनों माध्यम में होंगे यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। और प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ या एवं बहुवैकल्पीय प्रकार का होगा, ठीक है। उसके बाद होगा मेंस, मेंस यानी मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा। मुख्य परीक्षा में जो अनिवार्य विषय होंगे, पहला होगा हिंदी यानी सामान्य हिंदी जिसे सभी को देना है, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का। उसके बाद होगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। उसके बाद होगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, ये भी 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। इसके बाद देखिए, सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है यह केवल एक पासिंग सब्जेक्ट है। कहने का मतलब इसमें आपको मिनिमम अंक प्राप्त करना है ताकि आपके और सब्जेक्ट की कॉपियां जांची जा सकें। तो सामान्य हिंदी मात्र 30% नंबर का पासिंग मार्क होगा सामान्य हिंदी में। अगर आप 100 नंबर पाए हैं तो आपको 30 नंबर प्राप्त करने हैं मिनिमम। उसके बाद देखिए, सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र 300 अंकों का, सामान्य अध्ययन दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंकों का। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो नंबर जुड़ेंगे उसमें हिंदी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। हिंदी के नंबर का 100 अंकों का मतलब सिर्फ इतना है कि आप हिंदी में पास हो पाए 30% अंक प्राप्त करके, ताकि आप आपके और सब्जेक्ट चेक हो पाएँ और आप हिंदी के बारे में आपके पास नॉलेज अवेलेबल हो। हिंदी सब्जेक्ट रखने का मात्र इतना सा मतलब है। उसके बाद देखिए, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अलावा एक और सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल का। देखिए, पहले क्या होता था, ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट होते थे, 2 प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषयों के होते थे। लेकिन इस बार वैकल्पिक विषयों का केवल मात्र 1 वैकल्पिक विषय का चयन करना है आपको। 300 नंबर का होगा वैकल्पिक विषय और 3 घंटे का होगा। तो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर 300 अंक, 3 घंटे, सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र 300 नंबर, 3 घंटे, इसी प्रकार ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 नंबर का, 3 घंटे के लिए। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है और जो चौथा सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो नीचे दिए गए ये डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिंक दी गई है वीडियो की, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो को डाउनलोड कर, PDF को डाउनलोड करके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जैसे कृषि विज्ञान को आप चुन सकते हैं, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रबंधन, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, जो भी आपका चुनिंदा विषय है या लोकप्रिय विषय है, आपके लिए प्रिय विषय है, वह आप चुन सकते हैं। लेकिन आपको केवल एक ही विषय चुनना होगा। उसके बाद देखिए, जो 2 प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में वो दोनों भाषा में होंगे यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। उसके अलावा सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किस में से किसी एक ही भाषा में दिया जा सकते हैं। उम्मीदवार को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आंसर आप केवल इन भाषाओं में दे सकते हैं, यानी उर्दू में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं और अंग्रेजी में दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करेगा, यानी 1, 2, 3, 4 टाइप के नंबर का ही आप यूज करेंगे, हिंदी के अंकों का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर उम्मीदवार चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकता है। देखिए, अगर आप कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। बस आपको क्लास में एग्जाम देते समय किसी से कैलकुलेटर मांगने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में मैंने आपको बता दिया, मुख्य परीक्षा में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे लेकिन हिंदी के अंक नहीं जुड़ेंगे। केवल हिंदी में आपको 30% पासिंग नंबर प्राप्त करना होगा। तो सामान्य अध्ययन के 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र के 300 अंक यानी 600 और ऑप्शनल के 300 यानी टोटल 900 अंक मुख्य परीक्षा के जुड़ेंगे। उसके बाद
इंटरव्यू के जो प्रश्न पत्र, इंटरव्यू होगा वो आपका 120 नंबर का होगा, आपका साक्षात्कार 120 अंकों का होगा। तो मुख्य परीक्षा 900 नंबर का, साक्षात्कार 120 का, यानी टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। प्री के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन होते समय नहीं जुड़ते। प्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप प्री में नंबर पा जाएँ जो कट ऑफ जा रहा हो, या जो पासिंग मार्क है कह सकते हैं कट ऑफ के लिए, वो आप प्राप्त करके आप सिर्फ मुख्य परीक्षा तक पहुँच सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन होते वक्त यानी जो मेधा सूची तैयार होती है या मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसमें केवल मुख्य परीक्षा के और साक्षात्कार के अंक जुड़ते हैं और मुख्य परीक्षा में हिंदी के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो टोटल 1020 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसके बाद देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस क्या है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपके सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे साइंस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, हिस्ट्री के, उसके बाद जो बिहार की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम ज्योग्राफी यानी सामान्य भूगोल की बात करें तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, राज्य की, भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से रिलेटेड, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी इसमें जो पेपर में प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे वो एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है उससे जितनी अपेक्षा हो सकती है उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसमें रिसर्च करके क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा के क्या सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में आपको बताया सामान्य हिंदी होगा। सामान्य हिंदी में आपके निबंध के 30 अंक आएंगे, व्याकरण के 30 अंक आएंगे, वाक्य विन्यास के 25 और संक्षेपण के 15 अंक, यानी टोटल 100 अंक के हिंदी आएंगे। इसमें आपको मिनिमम 30 अंक ही प्राप्त करना है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद सामान्य अध्ययन के दो प्रश्न पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र एक, प्रश्न पत्र दो। प्रश्न पत्र एक में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन तथा चित्र से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र दो में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत का भूगोल से क्वेश्चन, उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे ये सिलेबस दिया हुआ है, टोटल आप अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके क्या क्या सिलेबस है। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या पुराना चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट एक है, पहले दो होता था और वो 300 नंबर का, पहले ऑप्शन सब्जेक्ट दो होता था और 200 नंबर का होता था, या 400 नंबर का होता था, यानी 800 नंबर का केवल दो ऑप्शन होता था, लेकिन इस बार ऑप्शन एक ही होगा और केवल 300 नंबर का होगा। तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या आप फिर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।